आपने अभी तक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा XPS 30 का जो पैच बनाते हैं हम, नए से नए टोन बनाते हैं मिक्स करके, उसको सीखने के लिए हमारा जो सब्सक्राइब करने के बाद आपने वो घंटी का बटन दबा देना है जो आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आओ चलते हैं आपको भी बैंजो का जो पैच है वो कैसे बनाया है आप भी बनाएं, एंजॉय करें। पहले मीनू दबाना है, एडिट में जाकर आपने कर्सर से पैच एडिट एंटर, और इसमें जो सेटिंग दे रखी है थोड़ा स्क्रीन पे जूम लेते हैं। कॉमन में आकर लेवल 127, पैच पैन 0, पैच प्राइस 0 आपको दिखाता चलता हूँ मैं, ऐसे ऐसे बनाते जाना है। ट्यून डेप्थ 1 है, कट ऑफ ऑफसेट प्लस 20, रेजिनेंस 24 प्लस, रिलीज टाइम प्लस 63, और जो मोनोपोली है वो मोनो पे, लगेटो स्विच ऑन, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे वाला पेज वेव, वेव में आपने ये 4 इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, 155, 171, 163, 314, और जो इसका वेव का है गेन, जो पहले नंबर पे प्लस 12, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा माइनस 6, कलर 1 पे है, डिले टाइम 2200, इससे आगे TMT पे चलते हैं, आप ऐसे देखते रहना। पिच आपने सिर्फ 2 नंबर पे माइनस 12 करना है, पिच ई एंड वी वेलव, यहाँ पर सिर्फ पिच टाइम 140 80 80 40 40, जो इसका पिच ई एंड वी लेवल है वो माइनस 30 रखा सभी का, जो 2 लेवल है प्लस 30 रखा है सभी का, इससे आगे कुछ नहीं। और जो ये TVF LF3 23 LF3 15, और ये 2 ऑफ रखे हैं मैंने, 127 127, कट ऑफ की फॉलो माइनस 30 माइनस 30, और जो कर्व है वो फिक्स्ड रखे हैं दोनों के, TVF ENV इसमें 35 35 00, 4 4 11, 25 25 00, 9 प्लस 9 प्लस 9 00,
+8 +8 00 +40 +40 00 आगे जो टाइम टू है, टाइम वन 00 है, टाइम टू 10 10 10 10, टाइम थ्री भी 10, टाइम फोर 64 64 64, ENV लेवल 0, ENV लेवल 1, 125 125 125 1, 00 04 से इससे आगे TVA टोन लेवल सभी का एक बराबर रखना है 127, वी कर्व 111, वी सेंस 0 +10 0 +5, C4 व्यास पोजीशन, व्यास पोजीशन डायरेक्शन ऑल, आगे सभी 00, TVA ENV, इसमें टाइम टू 10 10 10 10, टाइम थ्री भी 10 10 10 10, टाइम फोर 25 15 10 10, इससे आगे सभी 127। आउटपुट है इसमें MFX 127, आगे जो दे रखा है 40 40 फोरस का 00, वर्ब 80 80 00, इससे आगे LF01 आप देखते जाएं, LF2 लगभग सेम ही है। में कुछ खास नहीं होता, सेम होता सभी इंस्ट्रूमेंट। CTR रिपोर्ट, तो दोस्तों आपने ऐसे सेटिंग इसकी कर लेनी है, और इसको जब सेव करना है थोड़ा जूम करने से, जब इसको सेव करना है तो राइट दबाना है पहले, फिर नीचे पैच राइट, और इसका नेम लिख लेना है, इसका बेंजो गरबा, और इसको कितने नंबर पे आपने सेव करना है, कहीं जगह खाली हो। जब सेव करना है तो देख लेना आपका कोई इंस्ट्रूमेंट कहीं बढ़िया इंस्ट्रूमेंट डिलीट ना हो जाए, आपको जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं लग रहा उसके ऊपर सेव कर देना है, वहीं फिक्स हो जाएगा ये। जैसे 501 पे है, यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ इसको, पर मेरा बैकअप में वो मैंने लगा रखा है ना, तभी सेव नहीं करता। इसके बाद आप एंटर डालोगे तो वो सेव हो जाएगा वहीं। तो दोस्तों आज हमने आपको बैंजो का पैच बनाना सिखाया, आने वाले वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे पैच बनाने बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और पूरी वीडियो देखना। दोस्तों अभी मैंने पैच की सेटिंग आपको बताई है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, जो क्या लेवल जो लगा रखे हैं। अभी आप इसके इफ़ेक्ट की जो सेटिंग है उसके बिना ये पैच अधूरा है। अभी आपको इफ़ेक्ट की सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेनू,
एडिट एंटर, और पैच तो एडिट हमने कर लिया, अभी इफेक्ट एडिट करना है, इसको एंटर, और जो नीचे दे रखा है पार्ट नंबर 3, 2, अगर अपने हिसाब से बनाना चाहो तो इसका परफॉर्म पे रख सकते हो आप, इसको परफॉर्म पे भी रख सकते हो, इससे थोड़ा सिंपल आ जाएगा। मैंने अपने परफॉर्म के हिसाब से इसको रखा हुआ था, इससे आगे इक्वलाइजर, आपने इक्वलाइजर पे करना है इसको, इक्वलाइजर ये जो 200 प्लस 8, 800 प्लस 2, इसके लेवल की सेटिंग, इससे आगे कर्सर पे MX1, इसमें कुछ खास नहीं होता, MFX2, 1 to 7, इसका जो डिले है 1.4, रिवर्ब, अभी ये इफेक्ट की सेटिंग्स अभी आपको दिखा दी मैंने, अभी जो जूम हटाकर बता देता हूँ आपको कैसे करना है, स्क्रीन पे तो आपने देख ही लिया। मेनू, एडिट, एंटर, इफेक्ट एडिट, और ये सभी कर्सर से होगा, यहाँ ये सेटिंग करके कर्सर, फिर ये सेटिंग करके फिर कर्सर, 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 ऐसे पेज खुलते जाएंगे और आप सेटिंग कर लेना और अपना पैच तैयार है। इसको अगर परफॉर्म में रखना चाहोगे तो इसका एडिट, परफॉर्म एडिट में जाना है, जूम करो थोड़ा, परफॉर्म एडिट को एंटर करके इसमें कर्सर से, जैसे मैंने 533 पे रखा हुआ है इसको, इसका लेवल है, इसका MFX सेटिंग आ गया, ये वाला, ये 2 पे है, वहाँ पीछे हमने देखा था 2 और 3 रखा हुआ था मैंने, अगर इसको 3 कर देंगे थोड़ा इफेक्ट चेंज हो जाएगा, आप 2 रखोगे अभी बैंजो की क्वालिटी अच्छी आएगी। ये भी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ सारी, वैसे बाकी तो वही हो जाती है पैच में, ये पैच आप कहीं भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आप इसको बजाना ज़रा और एंजॉय करना, थैंक यू। और दोस्तों इफेक्ट सेटिंग करने के बाद, एडिट करने के बाद, आपने जब इसको सेव करना है, राइट पैच राइट करके और परफॉर्म राइट करके, फिर आपका वो इंस्ट्रूमेंट सही सेव होगा, नहीं तो सेव नहीं होगा। पहले इसको पैच राइट करना है,
जैसे आपने पहले किया था। इफ़ेक्ट सेटिंग के बाद भी आपने राइट कर देना है, और इसके बाद आपने परफॉर्म राइट पे भी जाकर एडिट कर देना, इसको राइट करके एंटर दबाना है और यहाँ से ओके दबाकर अगर आप सेव करना चाहो तो यहाँ से सेव हो जाएगा। मैंने पहले से कर रखा है इसीलिए मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, थैंक यू सो मच।